छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। वैसे यार, अरे भाई क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है? क्या हो गया ससुर जी? अबे यार आंख फड़क रही है मेरी यार। दाई फड़क रही के बाई फड़क रही? अबे कोई सी फड़क है यार, वो क्या फर्क पड़ता है भाई दाई के बाई? फर्क पड़ता है ससुर जी, दाई फड़कती है तो खुशी आती है, बाई फड़कती है तो मुसीबत। अबे कैसी खुशी यार, मेरी तो कोई सी भी आंख फड़के आनी कोई ना कोई बुराई होती है यार। यार क्यों डरा रहे हो ससुर जी? यार सही कह रहा हूँ लड्डू, सही कह रहा हूँ। अच्छा एक काम करते, अगर ऐसा है ना तो हम आज घर से बाहर ही नहीं जाएंगे। बुराई की वजह से ना? लेकिन ससुर जी अगर बुराई अंदर आ गई तो? क्या मतलब? मेरा मतलब है ससुर जी कि अगर कोई ऐसा शख्स सीधा घर के अंदर ही आ गया फिर क्या होगा? अबे यार मुंह अच्छा नहीं है तो बात तो अच्छी कर लिया कर यार। ठीक है ससुर जी, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा, आइंदा अच्छी अच्छी बातें करूंगा, मुझे नहीं पता था आप अपने मुंह से इतने ज्यादा तंग हैं। हाँ यार देख भाई, ये क्या कहा तुमने भी? मैंने ससुर जी सालन साले ससुर जी सालन जल गया। ये क्या कहा, ये क्या क्या? अब्बा तुम इतने दिनों बाद। बेटा एक बात बता, मुझे देखकर तुझे खुशी हुई है या गम? यूं मेरे मुंह से नहीं लग रहा, देख के तो आपको देख के खुशी हुई है ना अब्बा। शक्ल से तो नहीं लग रहा है मेरा बेटा तू खुश है। बावले मैं मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे अब्बा, ये कहां से मार के लाए हो? चुप, क्या बकवास कर रहा है, कहां से मार के लाए हो कह रहा है? अच्छा चलो ज्यादा मेरे सामने शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बता दो कहां से मार के लाए हो, क्या है इसमें? अबे लड्डू शरीफ की बात नहीं है, जब तुझे पता है तो गला फाड़ फाड़ के क्यों कह रहा है कि काम से लाए हो? अब मैं समझ गया इस बात पे गुस्सा कर रहे थे कि मैं गला फाड़ फाड़ के। चलो चलो अब जल्दी से बता दो, आहिस्ता आहिस्ता पूछ ले तो बता दो अंदर क्या है इसके अंदर। अंदर चल के तुझे बताता हूँ इसमें क्या। अच्छा लाओ मैं पकड़ लेता। नहीं भूल गया तू, पिछली दफा भी तूने कहा था कि पकड़ लेता हूँ अब्बा, और फिर बैग में से ही मेरा बटुआ लेके चला गया था। अब आपका बेटा हूँ आपसे ही सीखा है मिला। अच्छा चल आज अब हमारे किसे सुना? मैं अभी आ रहा था तो एक गाजर वाला मुझे मिला। गाजर वाला? अरे यार वही तो मैं कहूँ, मैं ये आंख में ये क्यों फड़क रही है, अब पता चला कितनी बड़ी बुराई आने वाली थी। गुलाम ये क्या बदतमीजी है? पापा जब कैसी बातें कर रहे? अरे कहने दो बेटा कहने दो, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते वो ऐसी बातें करते हैं। क्यों गुलाम? वैसे रशीद साहब आपका बड़ा जिक्र सुना था, आज आपसे मुलाकात भी हो गई, वैसे ये बताएं कैसे आना हुआ? अरे भाई मुझे बहू और बेटी की बहुत याद आई तो मैं चला आया। ये बाहर का दरवाजा ये रहा है। चुप, बाहर का दरवाजा ये रहा। बेटा लड्डू वो जो मैं सामान लाया था वो कहाँ है? अरे ये रहा सारा सामान। लीजिए बजी सामान। बर्फी खाला। हाँ भाई ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? गुड़िया ये आपके लिए। अब्बा जी बहुत बहुत शुक्रिया। रशीद साहब इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं रोज रोज कब आता हूँ, कभी कभी तो आया हूँ तो लेकर आ गया तो क्या फर्क पड़ता है। गुलाम ये क्या है? ये तेरे लिए सफाई का नया कपड़ा लाया हूँ। अब्बा मेरे लिए क्या लाए? तेरा है कि मेरे लिए क्या लाए? अरे मैं खुद चलाया और कह रहा कि मेरे लिए क्या लेकर आए? तो अब्बा कोई अच्छी चीज ले आते? वैसे रशीद साहब ये तो आपने बहुत ज्यादा कर दिया। लेकिन भाई मुझे एक शिकायत है इस गुलाम से। वो क्या रशीद साहब? ये मुझे हमेशा जो है ना पराया समझता है, ये समझता ही नहीं कि ये मेरा अपना घर है। अरे नहीं नहीं रशीद साहब ये आपका अपना घर है,
और सुनो गुलाम, जी जी, रशीद साहब से कोई बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सही। तानी बेगम ने ना बहुत सर पे चढ़ा रखा है। लेकिन बर्फी काला, हाँ भाई वही, आपने कमाल कर दिया। मैंने कितनी दफा तानी बेगम को कहा, कितनी दफा कहा कि इसको सर ना चढ़ाओ, लेकिन तानी बेगम है जो मानती नहीं थी, बस इसे सर पे ही चढ़ा दी, सर पे ही चढ़ा रही थी। टेलीफोन अटेंड कर। हेलो। भाई मैं इस वक्त एक मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, फिर बात करूँ। जी 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 भाई, ठीक है मैं। अच्छा आज ही आपको आना है तो कल आ जाइए ना। अच्छा चले फिर, ठीक है आप ही आज ही आ जाए। हाँ 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 हाँ, मैं एड्रेस सेंड कर देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी कर देता हूँ। मेरा एक दोस्त आ रहा है, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं नहीं, एतराज की क्या बात है आपको? आप नहीं अब्बा जी, बिल्कुल भी नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं अबे ओ, हाँ भाई ये पक्का है ना कि इतने में सौदा हो रहा है हमारा? यार सत्तार भाई कैसी बातें कर रहे, घर में बैठ के सौदा कर रहे फिर भी कह रहे कि पक्का है कि नहीं पक्का है। ए भाई असल में आप अकेले रहते हो ना इस घर में, इसलिए मैं थोड़ा सा पजल हो रहा हूँ। आप एक काम करो, आप कागजात दिखा दो, मैं भी बयाना दे देता हूँ आपको। ओफ, आपको यकीन दिलाना ऐसा है कैसे से ऊंट को रक्षे में बिठाना। ए रशीद भाई, कावड़िए का मामला है, कावड़िए का मामला क्यों नहीं समझते हो? अच्छा अच्छा कावड़ियों का, एक मिनट। गुलाम गुलाम, जी जी जी, इधर आओ जी। गुलाम एक बात बताओ, ये घर मेरा है इसमें कोई शक है तुम्हें? हाँ हाँ भाई बिल्कुल, आपका कोई शक नहीं है। देखा अब ये कौन है? लो पूछ रहे हो कि ये कौन है? ये मेरे बेटे का ससुर गुलाम, और हम सब यही साथ रहते हैं। क्यों गुलाम? हाँ हाँ सही है, सही है, जनाब सही कह रही है। देखो एक मिनट, बर्फी खाला ये बताओ कि ये घर मेरा है कि नहीं? जी जी आप ही इस घर के मालिक हैं। लो बस अब यकीन आ गया, आपको पता है ये कौन है? ये तानी बेगम की बहन है। गुलाम जाओ चाय लेकर आओ, चाय लेकर आओ। अच्छा 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 चाय ये पियेंगे क्या? चाचा मेरे लिए भी चाय ले आना और बिस्किट भी ले आना। हो चाचा किसको बोला? चाचा किसको बोला? चाचा किसको बोला? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। गुलाम मेहमान है, मेहमान। तो चाचा बोल रहा है मुझे यार। अब चाय लो, चाय चाय लो। सॉरी अब चाय लो, चाय लो। आप बैठ जाओ, चाय चाय लो, चाय लो। बहुत ही बदतमीज आदमी हो। हाँ भाई सतार भाई, अब कोई शक है? हाँ अभी मेरे को 100% यकीन आ गया हो। बस तो फिर एक काम करो, चलो बयाना निकालो। ये लो ये लो। ना यहाँ नहीं। क्यों? बाहर बयाना लेंगे। इस घर का सौदा कर रहा हूँ, घर में बयाना लेते हुए मुझे मजा नहीं आएगा। बाहर चलो, बाहर चलो। कोई जैसे घर का सौदा है, मैं बाहर लूंगा। घर का सौदा है, आओ आओ। ये बात नहीं ना भाई, मेरी समझ में नहीं आए ये लोग। सत्तार भाई आप बड़े दिलचस्प भाई, माफ करते हैं आप, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि आप माशाल्लाह इतने बड़े करोड़पति हैं भाई। बड़ी बात, देखो इनकी सारी भी तो कोई चीज होती है ना रशीद भाई। ये लो 20 लाख रुपए केस है पूरे, और मैं तो कहता हूँ गिन लो। कैसी बातें कर रहे हैं तुम, क्या चीटर हो? अरे तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, पैसे तो आदमी उसके गिनता है जिसमें भरोसा नहीं होता, और तुम तो भरोसे के काबिल हो। वाह 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 वा, क्या सोला आने बात कही है। अभी मेरे को ये बताओ कि वो जो बाकी पैसे और कागजात का मामला, उसका क्या करना है? कैसी बातें कर रहे हो? आप जाओ और सुनो, वापस जल्दी आओ और सारे पैसे लेकर आओ, और साथ में एग्रीमेंट भी लिया ना, मैं साइन कर दूंगा, मकान आपका हुआ। ए भाई लेकिन ये लोग जो घर में बैठे हैं इनको तो भगाओ, ये कभी जाएंगे यहाँ से? अरे सत्तार भाई ये मेरे बेटे के ससुराली हैं, मैं इनके लिए दूसरे घर का बंदोबस्त करके इन्हें वापस भेज देता हूँ। भाई जो करना है जल्दी करो ताकि मैं अपने हिसाब से काम शुरू करवाऊँ। ठीक है सत्तार भाई, अब मैं जा रहा हूँ,
दूसरे बंगले के पैसे देने। आप जाओ और जल्दी से वापस आ जाओ। बस ठीक है, फिर मैं अपनी बाइरी को लेके आता हूँ। बाइरी को? ए रशीद भाई, अपनी बाइरी की बात कर रहा हूँ, अपनी। अच्छा अच्छा, मैं समझा, बाइरी को लेके आते हो। अच्छी बात नहीं है यार, मेरी तो समझ में नहीं आया यार। लड्डू जल्दी से नीचे आ जा, तेरे मतलब का काम है। क्या हुआ बा? लड्डू रख ले, रख ले। किस लिए? बच्चे मेरे तेरे काम आएंगे, तेरे काम आएंगे, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। बाइली ने बाइली अब्बा, वो भी इतने सारे पैसे दे गए, ऐसे कैसे? अगर खुदा ना खास्ता इसकी खबर ससुर जी को हो गई ना तो छुपा के रख पाऊं। ए आ जाओ, आ जाओ, ए आ जा बेगम, आ जा, आ जा। देख माशाल्लाह कितना अच्छा घर है ना, ए ड्राइंग रूम भी है, सब कुछ है। वो लगता नहीं है ज्यादा काम करवाना पड़े हो। बासु नबी यहाँ कुछ लेते हैं लोग, दो तीन दिन में वो चले जाएंगे। ए भाई कोई है? हेलो, ए सुल्तान भाई। अबे सुल्तान नहीं, गुलाम, गुलाम। वही 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 वही। आपकी भाभी को जरा घर दिखा रहा था, थोड़ा चेक तो कर लो, कोई है कि नहीं है घर में? घर दिखाना है? किस खुशी में भाई? वो अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। लड्डू, ओए लड्डू। जी ससुर जी, आपने बुलाया? लड्डू ये कुछ कह रहे हैं, इनकी सुनो जरा। हाँ जल्दी जल्दी कह दो, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी सुना दो। ए तेरी भाभी को सारा घर दिखाना है कि क्या काम करवाना है, क्या नहीं करवाना। समझ आया? हाँ समझ आया कुछ कुछ। हाँ भाई ये बताओ क्यों देखना है घर? ए भाई हमने जब घर खरीद लिया है, अभी चेक तो करना पड़ेगा ना, कलर मलर करवाना है ना, टक टुक करवानी है, क्या है क्या नहीं है। क्यों ऐसे कैसे घर देखने? हाँ क्या मतलब है तेरा? क्या मतलब है? अबे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लड्डू जरा मेरी बात सुनी जरा के। हैं? और सुन भाई, यही खड़े रहना, अंदर मत जाना, समझे? अंदर औरतें हैं। ए चाचा, ए आते हुए जरा दो बिरयानी ले आना। हो दो प्लेट बिरयानी? पैसे रखवा के गया है तू मेरे पास? आजा, हिलना मत यहाँ से। नहीं लूंगा। आजा लड्डू। ये क्या था? था ना, हिलने नहीं जाते, हिलने नहीं। मैंने कहा था ना बुराई आने वाली है, आ गई ना। ससुर जी मैंने कौन सा मना किया था? अबे यार बात समझ में आ रही है ना? कुछ कुछ आ रही है ससुर जी, पूरी बात समझ नहीं आ रही। अबे ओ भाई मेरे लाल, देख तेरा अब्बा है ना सत्तार से इस घर को बेचने के चक्कर में काफी पैसे पकड़ चुका है। ये लो, तभी तो मैं बोलूं इतना मेरा कंजूस अब्बा जाते जाते मेरे हाथ में पैसे कैसे पकड़ा गया। पैसे? कितने पैसे? कहाँ 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 कहाँ? आपको क्या करना है पैसों का? हाँ मुझे क्या करना है यार, मुझे तो ऐसे ही पूछ रहा था मैं तो। हाँ तो अब आगे क्या करना है? ये अजाब टलेगा कैसे? ससुर जी कुछ तो करना पड़ेगा ना, वैसे इतनी आसानी से मानेगा नहीं है। अब जो भी है देखना तो पड़ेगा। अब देखेंगे वो तो, जो कुछ भी होगा देखेंगे। अभी यहाँ खड़े हो गए हो, सौदा लेने जाना है यार। चल जल्दी आ जाओ, जल्दी चलो चलो, सौदा लेने जाना है। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? ए आंटी आंटी आस्ते बात करो, आपके सामने उससे पूछा था कि ये घर किसका है, आपने बोला कि तुम्हारा है। अरे वाह, अगर मैं ये कहूँ कि ये घर तुम्हारा है तो क्या तुम्हारा हो जाएगा? ए ए ज्यादा बातें नहीं। ओ अच्छा, अब मेरी समझ में आया। ए मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा गया है, धोखा। क्या हुआ बर्फी खाला? और भाई तुम दोनों कैसे अंदर आ गए? कहता है कि घर इसने खरीद लिया है, निकलो बाहर। ए मैं नहीं निकलूंगा यहाँ से, घर मैंने लिया हुआ है, पैसे दिए मैंने। ऐसे कैसे खरीद लिया? हेलो, ऐसे कैसे पुलिस आएगी, मैं बाहर जाऊंगा। बात सुनो, ये घर तानी बेगम का है, अगर पुलिस आएगी ना तो तुम बाहर जाओगे। मेरे पैसे रखो यहाँ पे पैसे। लड्डू गुलाम निकालो उसको बाहर, और मुझे ये नजर ना आ जाए दोबारा, निकालो उसको। अबे है दूर से हो? अबे इधर आओ, हाथ ही लगा रहे हो। अरे हाथ में लगा, चलो एक सेकंड ठहरो, तुम इसको उठा लो और मैं नहीं नहीं ये तो खुद ही चली जाएगी। अरे ससुर जी इसको तो क्रेन भी नहीं उठा सकते। पकड़ो ससुर जी, चलो चलो ना, चलो बाहर चलो। बताओ कहां कहां से लोग आ जाते हैं?
तानी बेगम को क्या जवाब देती अगर इस घर को कुछ हो जाता तो? या अल्लाह। चलो चलो आराम से, आराम से, चलो आराम से, चलो चलो। ए फ्रॉड हो तुम लोग, फ्रॉड। मेरे पैर से लेके बैठ गए, मैं किधर जाऊं? बस कर दे, जाने दे, सड़क पर अब क्या तमाशा कर रहे हैं? सड़क पे तमाशा होगा जब भी तो पता चलेगा ना। ए दुनिया वालों को बताऊंगा कि ये फ्रॉड लोग हैं, ए मेरे को लूट लिया। जाने दे, अब बाद में देख लेंगे भाई। ऐसे कैसे बाद में देख लेंगे? अरे मेरा हलाल का पैसा था, हलाल का कोई हराम की कमाई नहीं थी। 20 लाख रुपए केस देते, केस तक टैक्स भी ना देना पड़े, लूट लिया मेरे को। आपने कैश में पैसे दे दिए? चली गेली हो गई है क्या? गेली? इतना सारा टैक्स कौन देता? अरे केस ही देना था मेरे पास, तो और भी थे, मैंने इनको बताया नहीं, और वो भी चले वाला। दुनिया वालो, नहीं छोड़ूंगा तेरे को, बड़ी जल्दी है जाने की। तो छोटे मियां बड़े मियां भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। चूहे बिल्ली का ये कौन है आप? काश के हो जाए आजाद। देखिए मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ, इस किस्से से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब और मेरा भी कोई वास्ता नहीं है। भाई मेरा भी नहीं है। अरे भाई मुझे इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है, मुझे सिर्फ उस आदमी से पैसे निकलवाने। फिर ठीक है, मगर हमें करना क्या होगा? आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उस बंदे को फोन करना है कि जो भी पैसे हैं वो लेके आपके पास आए। नहीं नहीं ऐसे कैसे, वैसे भी मामा भी घर पे नहीं है। मैं समझाता हूँ आपको आपने करना क्या है। अब आप फोन मिलाइए और उसको बोलिए कि मैं घर की असल मालकन बात कर रही हूँ, पैसे लेके आ जाए। सलाम अलैकुम सत्तार भाई, मैं घर की असल मालकन बात कर रही हूँ, कैसे हैं आप? सत्तार भाई बात यह है कि घर हम आपको ही बेचना चाहते हैं। जी जी, आप ऐसा करें कि कैश लेकर घर आ जाएं। अरे छोड़ें वीर सत्तार भाई, वो सब पुरानी बातें हो गई। आप तो अब ऐसा करें, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कैश लेकर फौरन आ जाएं, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जी जी जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा अब हमें क्या करना है? आपने कुछ भी नहीं करना, जो कुछ करना है मैंने करना है, मैं आपको बताता हूँ। शराफत का जमाना ही नहीं है, आराम से बात करा था, कोई बात समझ ही नहीं रहा था। इधर मैंने जरा बदमाशी शुरू की, सबकी समझ में मेरी बात आ गई। बस कुछ ऐसे ही समझ ले। आप ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि बाकी के पैसे तो लाए ना? हाँ, पूरे 2 करोड़ रुपए लाया हूँ, बैग में मौजूद है, लेकिन पैसे उस वक्त मिलेंगे जब एग्रीमेंट हो जाएगा। भाई एग्रीमेंट? तो एग्रीमेंट तो हम कहाँ से लाएंगे? लाया हूँ, मैं साथ लाया हूँ, इंटेलिजेंट साथ लाया हूँ। आप एक बार दोबारा बता दें बैग में कितने पैसे हैं? आंटी मेरे को लगता है आपके कान खराब है। 2 करोड़ रुपए लाया हूँ, केस पूरे 2 करोड़। भाई 2 करोड़ है इसके अंदर? मेरे को नहीं पता था कि आप लोग डाकू हो। बकवास नहीं कर, इतना कैश घर में रखना जुर्म है और ये तेरे पे साबित हो गया। मैं FBR से हूँ। यार अल्लाह की कसम ये सारे पैसे मेरे नहीं है, इनके पैसे, इनके। बकवास मत कर, सारा सबूत इसमें रिकॉर्ड है तेरे खिलाफ। फस गए। सारी बात करेंगे ऑफिस चलकर। फैसल को बुला लिया, फैसल को क्यों बुलाया? तू फैसल बुला रहे भाई? Well done guys, thank you. आप लोगों ने बहुत मदद की हमारी। नहीं ये तो हमारा फर्ज था जनाब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुसीबत से हम सबको निकाला। अच्छा वो याद आया कि जो सत्तार ने 20 लाख रुपए एडवांस के दिए थे वो किधर है? वो तो रशीद साहब ले गए। कौन रशीद? क्या लगता है आपका? मेरा कुछ नहीं लगता वो। मेरा तो कुछ लगता ही नहीं है। मेरा तो दुश्मन लगता है वो, दुश्मन। भाई
तेरा क्या लगता है? मेरा इसका तो बाप लगता है वो। अच्छा आजा, अब तू हमारा जब तक मेहमान है जब तक तेरे बाप से 20 लाख नहीं निकलते। आजा ससुर जी, आग आपकी पड़क रही थी, मुसीबत मुझ पे आ गई। बोलो बच्चा, मुझसे क्या काम है? वो मेरे ना कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका ना कल रिजल्ट आ रहा है, आप ना उनको पास करवा दें। ये तारा बाबा हैं, कोई मुशीर तालीम नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है। जब तुम्हारे अपने पास तरकीब है तो बिला वजह हमको क्यों ठोका रहा है? ये बंगाल के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जाफर बंगाली। अब शक्ल से तो चूरन वाला लग रहा है यार। मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ मुझे भी लगता है मैंने भी आपको कहीं देखा है। आप मेरी फ्रेंड के बेटे को भी पास करवा सकते हैं क्या? अरे ये काम तो हम किसी का भी कर सकता है, बस चिल्ला खींचने में थोड़ा खर्चा होता है। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर का मार के, घर का मार।